हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं ट्रेंड टॉक्स के आज के इस एपिसोड को। बताता हूँ कि अपडेट्स हमें बस आज अवेलेबल आपको देने के लिए। तो आज हमारा ट्रेंड टॉक्स का एपिसोड नंबर 295। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चीज़ कि अगर आपको मेरे से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, कोई बातचीत करना चाहते हो, तो मेरी ईमेल है askshubhamkumar96@gmail.com। इस ईमेल पर आप जाकर के आप मुझे जो है अपना मेल छोड़ सकते हो। एंड मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक इन सब पे मेल करी है, क्योंकि बहुत भारी जो है रिस्पॉन्स मिल चुका मुझे आप लोगों का। और धीरे धीरे सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, मतलब देना सबका ही है और सबको ही रिप्लाई हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा यार, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है वहां पे मेल्स की। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए आपका ज्यादा समय गवाए बिना स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ में दोस्तों। ये आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के, तो जल्दी दो और वंदे भारत यहाँ पे जो है आने वाली हैं। तो इस बार अलग क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने यहाँ पर दो वंदे भारत अलॉट कर दिए हैं नॉर्दर्न रेलवेज़ को, क्योंकि वंदे भारत के रेक जैसे रेडी होते हैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ उसको एक जोन को अलॉट करता है एंड उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उसको किस रूट के ऊपर जो है चलाना है। तो नॉर्दर्न को अलॉट कर दिया मतलब कि नॉर्थ के एरिया में कहीं ना कहीं चलेगी। तो दो एक्सपेक्टेड रूट है यहाँ पर। सबसे पहले आपका वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में एक रिवर्स वंदे भारत। इसको रिवर्स वंदे भारत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में ऑलरेडी एक वंदे भारत चल रही है जो कि मॉर्निंग में न्यू दिल्ली से चलती है। तो रिवर्स वंदे भारत जो है वो आपकी मॉर्निंग में मंडुआडी से चलाई जाएगी विद सेम स्केड्यूल एंड रिटर्न में रात को वापस जो है वाराणसी पहुंच जाएगी। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है हाई हो रखी है। तो एक ये हो सकता है, और दूसरी जो वंदे भारत यहाँ पे आ सकती है वो आ सकती है आपकी न्यू दिल्ली खजुराहो, जो कि रास्ता लेगी आपका वाया आगरा ग्वालियर झांसी होते हुए। तो ये वाली जो वंदे भारत होगी वो एक और 160 km/h के लाइनअप में होगी, कि 160 की स्पीड से चलने वाली वंदे भारत यहाँ पे जो हमें एक और देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों अगली खबर को लेकर, वो है यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि ये पुराना जो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली का, एंड जो नया वाला है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। बट इसका जो प्लान है अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इसका जो टेंडर निकला था वो टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया है। अप्रैल के आसपास इसका काम ऑलरेडी स्टार्ट होना था, बट टेंडर कैंसिल कर दिया तो काम अभी स्टार्ट होगा नहीं। एंड ये क्यों टेंडर कैंसिल हुआ इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये टेंडर अब एग्जिस्ट नहीं करता अभी के लिए, ये स्टैंड फॉर कैंसिल है। ठीक है, कब नया टेंडर मिलेगा, कब दोबारा ये जो काम स्टार्ट होगा, अभी के लिए उसके पास मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, बात करें अगली खबर को लेकर दोस्तों, वो है यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो इंडियन रेलवेज यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके हाइड्रोजन ट्रेन को जो है यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो इस साल के अंत तक आपको हाइड्रोजन ट्रेन जो है यहाँ पे चलती हुई दिख जाएंगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का कहना है। साथ ही साथ एक कहावत सुनी है, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, तो वही इसके साथ हो भी चुका है। जो आपकी कालका शिमला रेलवे, वहाँ पे इन्होंने इस ट्रेन का जो है ट्रायल भी ले लिया, और ट्रायल में लोग फेल भी हो गए हैं। क्योंकि फेल हो गए हैं इसलिए शोर नहीं मचा बिल्कुल भी, ज़्यादा लोगों को तक खबर पहुँची नहीं कि हमने हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल लिया है एंड वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब रेलवे को देखना पड़ेगा कि वो उसके अंदर क्या चीज़ें चेंजेस करेगा, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और कैसे जो है इसको सक्सेसफुल बना करके ये लोग उस रूट पे डिप्लॉय करेंगे गाड़ी को। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कालका शिमला जो रूट है आपका, वहीं पे ही आपको हाइड्रोजन ट्रेन जो है सबसे पहले देखने को मिलने वाली है। बात करें अगली खबर को लेकर दोस्तों, वो है यहाँ पर सीनियर सिटीजन कंसेशन को लेकर। आपको पता है कि रेलवेज में एक सीनियर सिटीजन कंसेशन होता था, जिसके तहत अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कंसेशन मिलता था। लगभग 50% के आसपास का जो है कंसेशन होता था ये, जो कि कोविड के बाद मोस्टली ट्रेनों में से निकाल दिया गया, फिर धीरे धीरे सब में से निकाल दिया गया। तो एक RTI डाली गई कि रेलवे को इससे जो है क्या बेनिफिट हुआ, उसका रिप्लाई रेलवे ने दिया, जिसमें रेलवेज ने पिछले साल के अंदर मतलब FY23 के अंदर जो है आपके 2,242 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पे अर्निंग करी है। अर्निंग ही कहेंगे क्योंकि एक तरीके से उसका इतना जो है पैसा बचा है, 2,242 करोड़ रुपए रेलवे ने जो है अपने बचा लिए हैं लोगों को कंसेशन ना दे करके। मुझे कमेंट दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएगा कि आपको क्या लगता है रेलवे से कंसेशन जो उसने बंद करा है सीनियर सिटीजन्स का, वो सही किया है गलत किया है। क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मानना यह है कि कितने ही रेलवे की अगर आप कमाई से के कंपेरिजन में देखें तो ये 0.1% भी नहीं है रेलवे के रेवेन्यू के कंपेरिजन में पैसेंजर से आने वाला ये कंसेशन कोटा। तो मेरे हिसाब से रेलवे दे सकती है इस कंसेशन को, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप अपनी जो है राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बात करें दोस्तों अगली खबर को लेके, वो है यहाँ पे कवच के बारे में।
तो कवच के बारे में तो आपको पता ही है कि एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि एक ट्रेन कॉलिजन, मतलब ट्रेन एंटी कॉलिजन डिवाइस है, दो ट्रेनों के आपस में टक्कर होने से रोक देता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दिल्ली मुंबई रूट के एक सेक्शन के ऊपर इसको जो है इंस्टॉल कर दिया गया है, एंड धीरे धीरे करके इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा और पूरे दिल्ली मुंबई रूट एंड दिल्ली हावड़ा रूट पर इसको जो है इंस्टॉल किया जाएगा। अब बहुत ही जल्दी दोस्तों जो है दिन आने वाले हैं कि दिल्ली मुंबई रूट पे आपको 160 kmph पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख जाएंगी। एंड ये जो जिस सेक्शन में इंस्टॉल किया गया है, इसके यहाँ पे भी एक लोकोमोटिव ट्रायल्स होने हैं जिसमें कवच इनेबल करके ये एक लोकोमोटिव विद सम फ्यू कोचेस 160 kmph पे चला करके देखेंगे पूरे रास्ते के अंदर कि भाई कैसी स्टेबिलिटी, ऑक्सीलेशन वगैरह कैसा जो है मेंटेन हो पाता है। और उसके बाद आपको बहुत जल्द मुंबई राजधानी 1295152 आपकी जो है 160 kmph पे अपग्रेड होती हुई दिख जाएगी। बात करते हैं अगली खबर को लेके, बट अगली खबर से पहले एक दो फोटोज और देख लो कवच की जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट खबर हमारी जो है यहाँ पर जोधपुर के बारे में है, जिसको ईट राइट का अवार्ड दिया गया है। अब कई सारे रेलवे स्टेशन है जिनको ईट राइट का अवार्ड दिया जाता है। ईट राइट का मतलब होता है कि अगर आप इन स्टेशन में खाना वगैरह खाते हैं तो आपको साफ खाना मिलेगा, हाइजीनिक खाना मिलेगा, आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यार यहाँ पे खाना खा लिया तो तबीयत जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो रेलवेज अपने सर्विस करता है, उनके अंदर बताता है लोगों को कि भैया ये स्टेशन जो है ईट राइट है। हालांकि मैं जोधपुर काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ और मैंने स्टेशन पर खाना खाया नहीं है, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर कर सकता यहाँ पे कि वो ईट राइट है या नहीं। बट आप में से अगर कोई जोधपुर से है, किसी ने वहाँ पे कभी रिसेंट में अभी कुछ एक आध महीने में अगर ट्राई करा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर से बताइएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए आस्क फॉर जो आप पूछते हो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जोर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। एंड ये एपिसोड हर फ्राइडे की रात को 9 बजे आ जाता है, बट इस बार थोड़ा सा जो है लेट हो गया था, ठीक है। तो मैंने कल रात को डालना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने कहा उसको आज ही जो है डालते हैं, ठीक है। राधे राधे।